भाई ये देखिए हमारे सैंडविच हमारा तैयार हो गया है और ये इतना इतना हैवी इतना बड़ा है कि समझ भी नहीं आ रहा कि तू खाए कैसे। चले भाई मैं आपको बता भी रखता उमदा और आ रहा है जिनका ये हो रहा है। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम आए हैं भाई फ्रीग्रेंस फ्राई पर, जो कि उस्तानाबाद में फेमस है, जिसे आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। हमारे फूड हेडक्वार्टर वाले भैया भी यहाँ वीडियो बना कर गए थे। इनके पास बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के टेंडर लोफ होते हैं, चिकन में, बीफ में, और बहुत यूनिक किस्म के आइटम बनाते हैं। और काफ़ी सारी इनकी वीडियोज़ आप लोगों ने भी देखी होंगी, और इंशाल्लाह हम भी इनका बता दिखाएंगे आपको कि किस तरह से लोग तैयार करते हैं। और चलते हैं आपको दिखाते हैं और किस तरह से बन रहा है। हमने भी बनवाया अपने लिए एक ज़बरदस्त किस्म का, चले आपको भी दिखाते हैं। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम भाई, तो कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। सर मेरा नाम उज़ैर है। ठीक है। और जो आज आप हमारे लिए क्या बना रहे हैं? ये लोफ ब्रेड है, उसका सैंडविच बना रहे हैं। इसका जो नाम है वो टेंडर लोफ है, फ्लेवर का नाम। ठीक है। जो कि मीट जो है वो चिकन का। भाई ये आइडिया कहाँ से आया आपके पास यार, कि इस तरह का आइटम आपने तैयार किया? सर पाकिस्तानी स्ट्रीट पे नॉर्मली जो है वो क्रेज़ पैदा करने के लिए ये सैंडविचेस की मतलब स्ट्रीट बनाई थी, और सिर्फ फ्रीक जो फैमिली है उसके पास सिर्फ सैंडविच है। बहुत ज़बरदस्त है यार ये। हाँ मतलब फ्रीक फैमिली में सिर्फ सैंडविचेस नहीं है, हमारे पास चापे भी होती हैं, बेक चापे हैं जो इंजेक्टेड है, मतलब सिर्फ रैप्स या सैंडविचेस पे वर्क नहीं करते। और इन फ्यूचर इंशाल्लाह ऐसे बहुत सारे आइटम्स हैं जो मतलब बैक टू बैक आने वाले हैं इंशाल्लाह। माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह फिर वो भी इंशाल्लाह फिर हम आएंगे कि आपके पास। बिल्कुल लाइट फ्लेवर देती है ब्रेड पे, ब्रेड जो है वो फ्रेंच है। चेक कर रहे हैं कि आपने कभी इतना देखा नहीं होगा, ब्रेड के पर इंजेक्ट हो रहा है भाई, ये तो वाकई में कोई यूनिक आइटम है। मतलब जब आप खाएंगे तो आपको कहीं से भी इस तरह से नहीं लगेगा कि ये खुश गया। इसकी जो लेयर पर सॉस आने वाली है वो चिली मेनिया सॉस है। जी जी बिल्कुल। इस टाइम पे हमारे पास 17 किस्म की सॉसेज हैं, जो अलग अलग फ्लेवर्स पे हैं, अलग अलग बाइट्स में, अलग अलग स्पाइसी फ्लेवर्स में। चिली मेनिया सॉस के बाद एक रेड हॉट सॉस है, ये फ्लेवर जो है वो स्पाइसी होने जा रहा है, यानी अगर हाँ लास्ट स्टेज ऑफ स्पाइस है। इस पर आपको माइल्ड फ्लेवर भी मिल रहा है, ये कैप्सिकम है। कैप्सिकम के ऊपर जो लेयर आ रही है वो आइस ब्रेक की लेयर है। ये देखें जी इसकी फीलिंग किस तरह से हो रही है, माशाल्लाह। हर एक चीज़ प्रॉपर तरीके से इसमें ऐड की जा रही है। आइस ब्रेक के ऊपर एक फ्राइज की लेयर है, जो कि कर्ली फ्राइज यूज होता है, यानी क्रंची ब्रेड होने जा रही है बेक्ड होने के बाद, और उसके अंदर क्रंची फ्राइज है, तो उसका जो फ्लेवर है वो डेवलप हो जाता है इसके मतलब बाइट लेने साथ। चिकन जो यूज़ होगी वो टेंडर लाइन के पीसेज हैं, यानी टेंडर लाइन जो चिकन है वही एक मतलब एक अलग ही लेवल रखती है, क्योंकि इसकी सॉफ्टनेस इतनी होती है कि आप इसको बाइट लेते हो तो ना आपको ये जिंगर की फ्लेवर देता है, ना आपको ये सॉफ्ट चिकन का फ्लेवर देता है। ये भी इनसाइड से फ्लेवर्ड इंजेक्टेड है, यानी प्लेन चिकन है। और हमारे पास जितना भी मतलब चिकन का प्रोडक्ट है उसकी जो शेल बॉडी होती है वो केएनएन की होती है, लोकल प्रोडक्ट कोई यूज़ नहीं होता। ये बहुत अच्छी बात है कि आप जो है क्वालिटी मेंटेन रखते हैं, हाई क्वालिटी का आइटम यूज करते हैं, और माशाल्लाह सफाई का भी बहुत ख्याल रखते हैं आप। ये बहुत अच्छा है, देखिए ब्लैक वगैरह लगा गए। सर रेस्टोरेंट्स के बाद मतलब जो पार्ट होता है सिर्फ और सिर्फ खिलाना नहीं है, हमारा मानना ये है कि अगर आप हॉस्पिटल के बाद जब मतलब किसी पे जा रहे हो हाइजेनिक प्रोडक्ट पे, तो वो रेस्टोरेंट वालों को ही करना चाहिए। बहुत अच्छी है, आने वाली है चिकन चंक्स के फ्लेवर में, जो कि एक लाइट सा माइनर सा लाइट सा स्पाइसी है और लाइम फ्लेवर में। इससे जो उसके मतलब कॉर्नर से जो अनफिल्ड थे वो भी फिल्ड हो गए। इसकी फिलिंग के बाद इसके ऊपर एक चिपोटले सॉस की लेयर आएगी। इसके अंदर आप सॉस चेक करें कि भाई ने कितना सॉस ऐड किया है, फुल फिल कर दिया। एक तो पहले ही उसके अंदर इंजेक्ट किए सॉस, और ऊपर से देखिए कितनी सॉस आ रही है उन्होंने, चिपोटले सॉस आपने बताया। जी जी बिल्कुल, ये चिपोटले सॉस, ये इसके ऊपर हमारी चीज आ गई, ये चीज का स्लाइस है।
लास्ट वन जो है वो इस पर सीजनिंग होगी, ये सिर्फ इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए होती है। अच्छा, टॉपिंग के ऊपर आप इसमें दो टॉपिंग करवा सकते हो। फर्स्ट सॉस जो है वो बारबेक्यू सॉस है जो स्मोकी फ्लेवर है, और सेकंड सॉस अगर आपको स्पाइसी ट्राई करनी है तो एक और फ्लेवर हमारे पास रेड हॉट के नाम से, वो भी ट्राई कर सकते हैं आप। ये जी चेक करेंगे, हमारा दोस्त तैयार हो गया और पूरी लोडेड है और ये फल को अवर में रखेंगे। ये सलामेंडर है, सलामेंडर का जो टेम्परेचर होगा वो 260 होगा और इसकी टाइमिंग जो होगी वो 5-7 मिनट्स। ये चीज़ मेल्टिंग के साथ साथ इसकी ब्रेड को भी बेक करेगी। ये जी हमारा सैंडविच तैयार हो गया कि चीज़ मेल्ट हो गई है और इनकी जो ब्रेड है वो भी बेक हो गई है जो है। ये अब ये फाइनल फॉर्म में है, ये देखिए दोबारा से सॉस ऐड हो रही है इसके अंदर। इतना बड़ा तो मुंह में नहीं जाएगा, तो भाई ये सही है कि कट लगा रही है भाई, और उसके बाद फिर हमें ट्राई करते हैं। ये जी बहुत ही ज़बरदस्त फिल्म है, इन्होंने सेटिंग एरिया कर रखा है, बहुत ही आला किस्म का ये। अरे भाई ये देखिए हमारे सैंडविच हमारा तैयार हो गया है और ये इतना हैवी इतना बड़ा है कि समझ भी नहीं आ रहा कि तो खाए कैसे। चले जी अब हम इसको मील को फिर शुरू करते हैं और आपको रिव्यू देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहली बाइट में ये लूँगा। ठीक है, कैमरामैन भाई थोड़ा सा आ गया है, ये हमारी बाइट चेक कराएँ आप इन्हें। ये बहुत अच्छा रहे, शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बता भी रखता इतना उमदा और आला सीजन का ये हो रहा है, बहुत ज़बरदस्त। इस वक्त हमारे लिए सामने बाहर बारिश हो रही है और हम ये लोग खा रहे हैं, एक अलग ही बहुत लहर बना हुआ है यहाँ पे। बारिश में होता मैं तो इस वजह से बरखा भी ज़्यादा हो रही है और ये ज़बरदस्त फिल्म में बना हुआ है। भाई इतना हैवी है कि इतना ज़बरदस्त बना हुआ है कि मुझे खाया भी नहीं आ तो भाई ये लोग बहुत ही आला किस्म का बना हुआ था, उमदा बना हुआ था, हाइजीनिक था। इनकी लोकेशन ये है उदैन हुसैनाबाद में, कराची हरीम के बराबर में है ये। ठीक है, और यहाँ उदैर भाई होते हैं, बहुत ज़बरदस्त किस्म का जो है लोग तैयार करते हैं। तो आप उसे आप लोग भी आएँ यहाँ पर और एक दफ़ा ट्राई करें। ये चिकन में जो है 550 का, बीफ में जो है 750 रुपीज़ का, और बहुत ही आला किस्म का है। चलेंगे इंशाल्लाह, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।